एक बॉल फिर से एक बार भारत दौड़ना शुरू किया विकेट को पार करते हुए सीधा के मारा है और सीधा कीपर के दस्तान में जाते हुए और पहला झटका सबूत के रूप में बंगलोर और नरगांव टॉस के लिए आ जाए बंगलोर और नरगांव अब सुबह के बाद परेशान और संभालेंगे अगला ये उतर करो दो बॉल एक विकेट के नुकसान पर अरे जिब्रान हलते है अभी तक टीम का कुछ खाता नहीं खुला हुआ है कौन वर्षी आलो थे हलजी एक बार भारत दौड़ना शुरू किया विकेटों को पार करते हुए और रन आउट दूसरा झटका तीन बॉल जीरो रन दो विकेट के नुकसान पर चांदवा नजम भाई क्या हुआ अब अग्रे बल्लेबाज राजा चांदवा को दूसरा झटका लगता हुआ दो विकेट के नुकसान पर चांदवा अभी तक टीम का कुछ खाता नहीं खुला हुआ यहाँ पर भारत काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए गोरेगांव के ओर से चांदवा का अभी तक कुछ खाता नहीं खुला हुआ है एक बार भारत दौड़ना शुरू किया विकेट पार करते हुए संदेश उन्होंने टीम का खाता खोला अपना खाता खोला पांच गेंदे पांच रन दो विकेट के नुकसान पर चांदवे राजा एक बार भारत दौड़ना शुरू किया विकेटों को पार करते हुए मारा है और एक झटका लगता हुआ तीसरा झटका लगता हुआ चांदवा को भारत ने तीन सफलता हासिल की काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए पांच रन दिए तीन विकेट हासिल की और चांदवा को तीसरा झटका राजा के रूप में अब राजा के बाद सुशांत जाते हुए अपने मोर्चा संभालते हुए एक ओवर पांच रन तीन विकेट के नुकसान पर चांदवा नहीं
के बाद संदेश आदिल बोलते नुको खबर नहीं छोड़ी एकदम बांधा चार मिनट गए गेंदबाज होते हुए विकेट को पार करते हुए टक्के मारा है फील्डर के नीचे और आसान सा कैच मिलता हुआ और चांदवा को चौथा झटका लगता हुआ चार विकेट के नुकसान पर चार मिनट गए चार तीन मिनट जाते हुए घोड़े का अच्छी गेंदबाजी करते हुए अरे तीन मिनट हो गया दूसरी ओवर के और होते हुए तीन मिनट हो गया कला तीन मिनट अगला मोर्चा संभालेंगे उनके टीम के लिए चांदवा के लिए क्लिप क्लिप बनत गया था मैं पहले और मिनट हो गया मैं भाव इधर हो के इधर आओ वर्षा मारे लगे हाँ वर्षा मार एक बार दौड़ना शुरू किया विकेट को पार करते हुए रुपेश चूक गए वहां पर कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद पांच रन अभी तक आते हुए चांदवा के लिए दो गेंदे पांच रन चार विकेट के नुकसान पर फिर से एक बार दौड़ना शुरू किया विकेट को पार करते हुए फिल्डर वहां पर मजबूर मिस फील्डिंग चार रन तीन गेंदे नौ रन एक बार दौड़ना शुरू किया विकेट को पार करते हुए यहाँ पर रुपेश चूक गए फिर से एक बार चार गेंदे नौ रन चार विकेट के नुकसान पर एक बार दौड़ना शुरू किया उठा के मारा है फील्डर उसके नीचे पांच गेंदे दस रन चार विकेट के नुकसान पर चांदवा साउका साउका जा एक बार दौड़ना शुरू किया विकेट को पार करते हुए दो ओवर ग्यारह रन चार विकेट के नुकसान पर छानवे और टेंशन मत ले ज्यादा एक होता है पांच फॉरवर्ड मारो हटो एक आधा होता है नाजिम भाई कितना ओवर है पांच फॉरवर्ड मारो कुछ कार्ड फॉर्मेट 46 की भी भारत गेंदबाजी करेंगे टीम के लिए एक बार भारत ने दौड़ना शुरू किया विकेट को पार करते हुए
सुशांत धक्के मारा है, ये तो वहां पर मौजूद आसानी से दो रन चुरा लिए सुशांत ने। माफरल का है ना, एक बॉल 13 रन माफरल का है ना, चार विकेट के नुकसान पर चांदवा। एक बार भारत दौड़ना शुरू किया विकेट को पार करते हुए। मिसफील्ड होती हुई यहाँ पर आसानी से दो रन चुरा लिए सुशांत ने। एक बार दोनों शुरू किया विकेट को पार करते हुए। फील्डिंग करते हुए तीन बॉल 16 रन चार विकेट के नुकसान पर चांदवा। उपेश एक बार भारत से दौड़ना शुरू किया विकेट को पार करते हुए। हमारा देखते क्या होता है और एक रन 17 तीन गेंदे 17 रन चार गेंदे 17 रन कवर कर एक बार भारत दौड़ना शुरू किया विकेट को पार करते हुए। पांच गेंदे 18 रन चार विकेट के नुकसान पर चांदवा। एक बार भारत दौड़ना शुरू किया विकेटों को पार करते हुए। और पांचवा झटका लगता हुआ तीन ओवर के बाद पांचवा झटका लगता हुआ चांदवा को 18 रन पांच विकेट के स्थान पर। तुम्हारा चर्बी धरली है का नहीं? आखिरी ओवर बाकी है दौड़ना शुरू किया विकेट को पार करते हुए। और अच्छी फील्डिंग करते हुए पूरे गांव एक बार निहान ने दौड़ा शुरू किया विकेट को पार करते हुए। चूक गए यहाँ पर जानवा के बल्लेबाज। बॉल 19 रन पांच विकेट के नुकसान पर चांदवा। निहाल फिर से एक बार दौड़ना शुरू किया तो को पार करते हुए ताके मारा है उसके नीचे और मिस कैच। शहबाज
और उस बांदी का नहीं लग रहा है यहाँ काफी गोरी ने अच्छी गेंदबाजी की धोना शुरू किया विकेट को पार करते हुए और डॉट गेंद पांच गेंदे 21 रन एक बार निहाल ताके मारा है देखते क्या होता है और मिस कैच निशान करते हुए यहाँ पर चले आसमान सर लाओ नहीं उठ ठीक है ये करा ये ना था चहा नंतर पहा काय हो चेंज कर सगळा सेफला सांगेन इस्टेट हलते मी काय करू इस्टेट हलते मग चांगला हलते तुझा नाही कॅमेरा मग फास्ट चले चल नहीं मैं काम कर झाड़ा और अरे उतरे फालतू वीडियो होते मैं खबर तुम्हें चल चल करू 200 अब भी करता 200 देख ये मांगला लपोंदो एक बार
हेलो, तो ये मैच पांगलोल बना मराउडर के दरमियान यहाँ पर खेला जा रहा है, जो कि आज के दिन का थर्ड राउंड खेला जा रहा है। पहली टीम जो थी वरौदी, जो कि सेकेंड राउंड में प्रवेश कर चुकी है, और दूसरी टीम शाहीन गोरेगांव, जो सेकेंड राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। अभी अभी जो लीग की जो थर्ड राउंड है वो खिलाया जा रहा है राउडर बनाम पांगलोर के दरमियान। तो यहाँ पर पहले ओवर लेकर आए हैं, गेंदबाज का नाम तो नहीं पता, और स्ट्राइक पर रह गए अरबाज, नॉन स्ट्राइक पर है। तैयब गेंदबाजी के लिए है हाशिम, अच्छी गेंद थी, उसको लपेटना जरूर चाहते थे अरबाज, लेकिन जितना अपेक्षा करे से काफी नीचे रहती हुई गेंद, तो बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी काम यहाँ पर शायद वसीम है जो कि कीपिंग का काम अंजाम दे रहे, एक अच्छे यहाँ पर बल्लेबाज है जो पांगलोली के वसीम, और इस टीम में काफी अच्छे अच्छे बल्लेबाज है, महबूब है, वसीम है और तनवीर भाई है। तो यहाँ पर हाशिम राइट हैंड टूअर द विकेट, अच्छी गेंद आगे अगर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बैक टू द बॉलर कार्पेट के सहारे, और देखते हुए रन कितने मिल पाते, एक रन खेला अरबाज से दूसरा लेना चाह रहे, और यहाँ पर दूसरा रन मुकम्मल, जबकि अरबाज ने शायद मन बना लिया था कि ये गेंद शायद सीमा रेखा के बाहर जाएगी कारपेट के सहारे, लेकिन जिस तरह का आउटफील है ना यहाँ पर, थोड़ा आउटफील खराब होने की वजह से गेंद में यहाँ पर रुकावट आती हुई, और गेंद यहाँ पर रुकी, और जो मिड विकेट का जो फील्डर था वो यहाँ पर बैक टू द बॉलर यहाँ पर जाकर अच्छी फील्डिंग यहाँ पर किया, और दो रन मिले इस गेंद पर, इस दो रन की मदद से स्कोर में तो स्कोर जा पहुंचा है, दो रन तो अपना खाता खुला अरबाज ने, दो रन से टीम का खाता खुला, दोनों से दो गेंदे हुए हाशिम, क्या अभी भी चार गेंदे आने बाकी, हाशिम राइट हैंड ओवर द विकेट, अच्छी गेंद लेग स्टंप छूटी हुई गेंद, अंपायर को शाहरुख खान बनना पड़ा, और अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार देते हुए स्कोर में बैठे स्कोर जा पहुंचा है, साढ़े तीन गेंदे हुए है।
बंद है तो यहाँ पर हाशिम राइट हैंड वाटर विकेट फिर से एक बार अरबाज ने कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था बैक टू द बॉलर खेलना का मन बना लिया लेकिन यहाँ पर गेंद जितनी अपेक्षा करे से काफी नीचे रहती हुई गेंद तो कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं स्कोर वही तमाम थी सात रन चार गेंदे हुए सात रन हो चुके हाशिम फिर से एक बार पांचवी गेंद लेकर अच्छी गेंद फिर से एक बार उसी तरह की गेंद बांधे रखा है अरबाज जैसे बल्लेबाज को जिस तरह के अरबाज बल्लेबाजी करते हैं ना यकीन है अच्छे गेंदबाज को यहाँ पर पानी पिलाते लेकिन इस गेंदबाज ने यहाँ पर अरबाज को यहाँ पर पानी पिलाया जबकि पांच गेंदों का सामना किया अरबाज ने अभी तक सात रन बनाए पहली गेंद पर चौका जरूर लगाया अरबाज ने लेकिन उसके बाद जो चार गेंद जो हाशिम ने डाली ना एक अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा जबकि रन हुए हैं सात इस ओवर के अंतिम गेंद आना बाकी हाशिम ये मैच पांगल बनाम राइडल के दरमियान खेला जा रहा है सॉरी नरगांव के दरमियान तो अभी यहां पर हाशिम अंतिम गेंद लेकर पहली ओवर की शॉट पिच लेंगे उसका खेला गेंद जाती है कार्पेट के सहारे जब तक के एक रन चुराया दूसरा रन लेना चाह रहे अरबाज और यहां पर दूसरा रन यहां पर चुराया आसानी से तीसरे रन में यहां पर कुछ गुंजाइश ही नहीं की अरबाज ने मना किया तैयब को और इस दौरान की मदद से स्कोर उछलता कुत्ता जा पहुंचा नौ रन एक ओवर की समाप्ति जरूर हुई है अभी भी तीन ओवर आना बाकी इस इनिंग की तैयब के लिए एक इनाम है कि अगर तैयब सिक्स लगाते हैं तो उसामा की जानिब से उन्हें हर छक्के पर 500 रुपए मिलेंगे तो तैयब के लिए एक बड़ा इनाम यहां पर लगता हुआ हर छक्के पर 500 अब देखते हैं दूसरी ओर लेकर कौन आते हैं अपने कोटे की पहली टीम की जानिब से दूसरी ओर लेकर सज्जाद ओके तो सज्जाद है देखिए किस तरह की गेंदबाजी और किस तरह की बल्लेबाजी यहां पर तैयब करते एक ओवर के समाप्ति पर स्कोर हुआ है 9 रन जबकि इस ग्राउंड के हिसाब से देखा जाए तो काफी कम स्कोर यहां पर धीमा स्कोर जाता है जबकि पहली गेंद पर 4 रन जरूर लगे थे उसके बाद 5 गेंदों में 5 रन सिर्फ बने हैं जबकि यहां पर अरबाज जैसे बल्लेबाज को बांधे रखा हाशिम ने 3 गेंदें बैट कराई थी अच्छी गेंदबाजी वेल बॉलिंग हाशिम अब आए सज्जाद राइट हैंड अराउंड द विकेट से लेफ्ट हैंड सॉरी ओवर द विकेट से अच्छी गेंद उसे कट करना चाहते थे बैट पे बैट का ऊपरी किनारा लगाकर उसे थर्मन की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ गेंद से और बाकी का काम यहां पर कीपर ने अंजाम दिया जो कि वसीम में यहाँ पर कीपिंग का काम अंजाम दे रहे थे अच्छे यहाँ पर बल्लेबाज भी है तो देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर सज्जाद लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट दोनों शुरू के अंपायर का कहते हैं अच्छी गेंद शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी कंधे को छूती हुई गेंद गई थी फिर से एक बार कीपर के हाथों में लगातार यहाँ पर दो गेंदों डॉट कराई यहाँ पर सज्जाद ने अच्छी गेंदबाजी सज्जाद द्वारा जबकि पहली ओवर के खाते पर स्कोर 9 रन अभी तक दो रन या दो गेंद हुई अभी तक कोई रन खर्च नहीं किया सज्जाद ने जबकि चार ओवर में समथिंग आपको अगर 50 का अगर आप टारगेट रखते हैं तो यकीन है पांगलोल एक अच्छी गेंद डबल माइंड करते हुए जबकि खेलना चाहते थे बैक टू द बॉल बैक टू द कीपर फाइनल की जानब खेलने का मन बना लिया लेकिन गेंद यहां पर सज्जाद यहां पर गेंदबाजी कर रहे उन्होंने देखा कि जैसे तैयब ने मन बना लिया था वैसे ही गेंद यहां पर आगे कराई उर्तीस लाइन की गेंद वहां पर कराई जबकि यहां पर थोड़ा परेशानी हुई तैयब के लिए अच्छी गेंद बैट का बाद की तरह अलग कर यहाँ पर आउट होते हुए तैयब चार गेंदे हुई है अभी तक एक भी रन खर्च नहीं किया एक विकेट हासिल किया वेल बॉलिंग सज्जाद अब्दुल्ला अभी देखते हैं अब्दुल्ला किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं जबकि दौर का खेल जारी है चार गेंदें हुई अभी तक एक भी रन खर्च नहीं किया सज्जाद ने स्कोर जा पहुंचा है 9 रन
जबकि काफी धीमा स्कोर, जबकि आपने देखा होगा इस ग्राउंड पर 61 रन बनाए थे यहाँ पर वरवली ने, 65 रन सॉरी, और गोरेगांव ने 45 बनाए थे। आप देखते कितने रन यहाँ पर इस इनिंग में बन पाते हैं। अच्छी गेंद, बैट का ऊपरी किनारा लगकर गेंद गई थी थर्ड शॉट फरमैन की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और एक रन से संतोष होना पड़ेगा। इसी रन की मदद से स्कोर डॉन्क में जाता हुआ 10 रन, क्योंकि दो दूसरी ओवर की अंतिम गेंद यहां पर सज्जाद अभी पहला रन यहां पर खर्च किया। वेल बॉलिंग सज्जाद, अब देखते पहली बार सामना करेगा अरबाज, एक अच्छे बल्लेबाज है। फिर से एक बार उसी तरह के यहाँ पर शॉट खेलना चाहते थे अरबाज ने, अभी तक के तीन या चार गेंदे उसी तरह की खेली अरबाज ने, कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन बल्ले पर यहाँ पर गेंद नहीं आई। जबकि यहाँ पर इतने अपेक्षा करे ना अरबाज उससे काफी नीचे रहते हुए गेंद, तो कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। देर की समाप्ति पर स्कोर यहाँ 10 रन एक दो विकेट के नुकसान पर, सॉरी एक विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं तीसरी ओवर लेकर, देखते कौन है, तनवीर आए इस टीम के यहाँ पर खुद कैप्टन, जो कि पांगलोल के कैप्टन तनवीर अब अपने कोटे की पहले टीम के जाने से तीसरी ओवर लेकर आए हैं। दो के खाते पर स्कोर हुआ है 10 रन, जबकि धीमा स्कोर 12 गेंदे हुए और स्कोर पहुंचा है 10, जबकि पहली गेंद पर चौका जरूर लगा उसके बावजूद यहाँ पर 11 गेंदों में सिर्फ 6 रन बने हैं। अब्दुल्ला को चाहिए कि इस ओवर में ज्यादा से रन बनाना चाहिए, जबकि आपके पास अभी तक 12 गेंदे बाकी है। अच्छी गेंद, फिर से एक बार अच्छी गेंद, फिर से एक बार अंपायर से अपील की और अंपायर ने इस अपील को एक्सेप्ट करते हुए वाइड करार दिया। इस वाइड के मदद से स्कोर है जाते चाहे 11 रन। फिर से एक बार तनवीर लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड राउंड विकेट, अच्छी गेंद, फिर से एक बार यहाँ पर कंधे को छूती हुई गेंद गई थी कीपर के हाथों में। ग्यारह रन और यहाँ पर गेंद काफी ऊंचे, इसके नीचे देखते हैं वसीम है क्या जो बच्चे ने आ रहे, अच्छी कैच वसीम द्वारा, जबकि इस टीम में यहाँ पर अब विकेट जाते हुए जबकि आपके पास रन नहीं है, प्रेशर है बल्लेबाज पर, रन नहीं बन पाते ना, जब यहाँ पर बल्लेबाज रन बनाने के चक्कर में यहाँ पर विकेट को बचता है, उसी तरह का यहाँ पर अब्दुल्ला ने शॉट खेला, रन बनते नहीं थे लेकिन फिर भी यहाँ पर गेंद इतनी खास नहीं थी, जबकि ओवर पिच लाइन की गेंद थी उसको खेलना चाहते थे लेकिन शॉट बैट किनारे लगकर गेंद गई थी, काफी ऊंची गई थी और अच्छे यहाँ पर कैच पकड़ी वसीम ने और तीन गेंदे हुए इस ओवर की, इसके सॉरी दो गेंदे हुए है, चार गेंदे आना बाकी है। तारीख यहाँ पर फिर से एक बार खेलना चाहते थे लेकिन अच्छी गेंद अंदर स्पीक की हुई गेंद, बल्ला और गेंद का शायद कोई संपर्क नहीं हुआ और स्कोर वही थमा हुआ 11 रन, जबकि गेंदे हुए तीन, अभी तक कोई रन नहीं खर्च किया, एक वाइट के रूप में रन जरूर मिला और फिर से एक बार अच्छी गेंद, फिर से एक बार फॉलो थ्रू में खुद तनवीर, बल्ला उठाने का चांस ही नहीं दे रहे तनवीर, जबकि सज्जाद ने भी अच्छी गेंदबाजी की, फिर हाशिम ने भी अच्छी गेंदबाजी की, अरबाज जैसे गेंदबाज को बांधे रखा। अब देखते हैं तारीख, फिर से एक बार अच्छी गेंद, वाइट गेंद की अपील जरूर की थी अंपायर से लेकिन अंपायर पर कोई दबाव नहीं, तो यहाँ पर चार गेंदे हुए हैं, उसको क्या पहुंचा 11 रन सॉरी 5 रन
आखिर अंतिम निर्णय कर तनवीर फिर से एक बार उसी दिशा में और तो यहाँ पर कोई रन नहीं, एक भी एक जो वाइट जो यहाँ पर तनवीर ने डाला था वही रन मिला इस ओवर में, बाकी यहाँ पर पूरी मेडन ओवर डाली विल बॉलिंग यहाँ पर तनवीर कैमरा भी खेलते हैं क्या करते हैं आज अंतिम गेंद लेकर आए सज्जाद जो कि लेफ्ट हैंड है गेंदबाजी यहाँ पर लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं अच्छी गेंद फिर से एक बार उसी तरह का यहाँ पर शॉट खेला गेंद जाती है लॉन्ग ऑफ पर वहाँ पर आउट टू खराब होने की वजह से गेंद यहाँ पर रुक गई थी और यहाँ पर दो रन आसानी से चुरा लिए अरबाज ने मना किया तैयब सॉरी तारिक को और स्कोर जब हो जाए 13 रन एक गेंद हुई अभी भी 5 गेंदें ना बाकी अरबाज शायद चाहते हैं कि मैं इस ओवर में अच्छे से अच्छे हिट लगाकर ज्यादा से ज्यादा 30+ अगर बना हूं तो यकीनन एक अच्छा मैच यहाँ पर देखने मिलेगा क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट है क्रिकेट है क्रांति चित्ताओं का खेल है तो देखते हैं यहाँ पर सज्जाद दूसरी गेंद लेकर अच्छा शॉट गेंद जाती हुई कवर के ऊपर से गेंद सीमा पर मैंने पहले कहा था अरबाज एक अच्छे बल्लेबाज है यकीनन क्षमता रखते है बड़े हिट लगाने का लेकिन बांधे रखा यकीनन बाद में सज्जाद ने भी बांधे रखा प्लस पहली ओवर यहाँ पर डाली जो हसीम ने उन्होंने भी बांधे रखा लेकिन इस गेंद पर यहाँ पर अपने इरादे स्पष्ट किया अरबाज ने कि मैं इस तरह का बल्लेबाज हूँ किसी भी गेंद पर यहाँ पर अच्छा बड़ा हिट लगा सकता तो सज्जा तीसरी गेंद लेकर अच्छी गेंद फिर से एक बार यहाँ पर बल्ला और गेंद का फिर से एक बार कोई संपर्क नहीं हुआ देखा कि शॉर्ट गेंद यहाँ पर अच्छा यहाँ पर खेला अरबाज ने उसी तरह की सज्जा ने भी एक अच्छी गेंदबाजी सोच समझदारी यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं जैसे देखा गया अरबाज शॉर्ट गेंद पर अच्छे हिट लगाते हैं उसी तरह से गेंदबाजी यहाँ पर मन बनाकर यहाँ पर आगे डाली गेंद और बीट कराया बल्लेबाज अरबाज को तो फिर से एक बार सज्जाद शायद 3 गेंदें हुई है इस ओवर की और शायद फिर से एक बार एक बड़ा विकेट चार गेंदें हुई स्कोर जा पहुंचा 19 रन हेलो 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 सुनेगा नहीं क्या तो यहाँ पर सज्जाद लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट अच्छी गेंद अंदर से की भी गेंद जाती हुई कार्पेट के सहारे कवर की जाने मिले वहां पर कवर का खिलाड़ी जब तक फील करके थ्रो करता है एक रन बना है एक रन चुरा आसानी से एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 20 रन अंतिम गेंद लेकर सज्जाद लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट स्लोअर गेंद खेला गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में कारपेट के सारे देखते हैं वहां पर खिलाड़ी यहाँ पर गेंदबाज लेकिन यहाँ पर पैरों से यहाँ पर बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा गेंद को और रन मिलेंगे 4 इस चार की मदद से स्कोर 32 स्कोर जा पहुंचे 24 रन 25 रनों की जरूरत अगर पांगलोल को जीतना है जबकि आपके पास गेंदे है 24 रन चाहिए 25 खत्म हुआ मेरा पूरा बाद में मारे सोए रहेंगे रात में भी जाग नहीं पाएंगे पानी ले क्या तेरी तो मैंने ना घर पे हुआ बोला जी घर से लेके आना बाइक पकड़ स्कूटी लेके आया है नाटक कर मत लेके आना पेट्रोल ले ना मजे रहो जा लेके आना कूलर का पानी मेहरबानी होगी लेके आना ले 2 बोतल लेके आ
अब तक 2 घंटे जाने के, 2-3 घंटे दो तीन घंटे ने अभी बंद करने का, अभी जाने का है, 6 बजे जाने का है। कौन बोला? 6 बजे मेरे को मालूम, क्या देखो मालूम, मेरे को मालूम, पप्पा ने तो बोले 4:30 बजे बंद करना, ये गलत बात। अदिल जान पकड़ जा, जरा जा माज पानी लाना, पकड़ ली सॉरी माज। अरे पी, अरे वो टिपके टिपके ना, वो चट पानी फिर भर के लाओ तुम इधर, नहीं मैं अभी पापा आते पानी लेके, गाड़ी लेके आते साइकिल बंद करने, फोन कर, फोन कर, बोले लेके आओ बर्तन, उधर जा फोन कर, उधर से पानी लाना है पापा, किधर है देख फोन कर। अरे लाते हैं रुक जरा सबर, अरे पानी लाएंगे कि नहीं लाएंगे नहीं मालूम, जरा लेके आना, तो पानी लाएंगे कि नहीं क्या, अभी जाने का उसमें जाने के। बजे कितने? बजे कितने? 4:30 में लेके आता हूँ। रमजान में फिर कैसे सबर करेगा तू? रमजान की बात अलग है, दुआ में ताकत है, अभी भी दुआ कर। लेके आना बाइक से जाके, लेके पानी से लाएगा तो क्या होगा? ये उधर कौन है बैठेला? जा जा लेके पानी, लेके पहले पियाना है, ये 2 बातें लेके जाए। वो कहीं को एक बस भी जाने का से का ये मुकाबला जीतना है तो 25 रन बनाना पड़ेंगे। मरगाव की ओर से गेंदबाजी लेके अब्दुल्ला, अंदर रहेंगे XYZ। पहली गेंद काफी बेहतरीन शॉट, गेंद जा रही है सीमा पर, अंपायर ने कहा षटका। एक गेंद और 6 रन। फिर से एक बार दूसरी गेंद लेके अब्दुल्ला, दूसरी गेंद लेके अब्दुल्ला, काफी बेहतरीन शॉट उठा के खेला है, कैच होने का खतरा। में 1 रन मुकम्मल, दूसरे रन की कोशिश और दूसरा रन भी मुकम्मल, 2 गेंदे और 8 रन। एक बार तीसरी गेंद लेके अब्दुल्ला XYZ के लिए, काफी बेहतरीन शॉट,
गेंद जा रही है सीमा पार, अंपायर ने कहा चौकार। तीन गेंदे और 12 रन। घर पे से लाने बोला, घर पे से लाने बोला। एक कूलर का ठंडा है, मैंने पीता कूलर को नहीं, मैं पीता कसम से नहीं पीता। अरे अभी प्यास लगी है तो पीने का, कसम से गला दुखता है। अरे यार आदमी है, घर पे से, घर पे से लाने बोला। एक बार चौथी गेंद लेके अब्दुल्ला एक्सपायरेट के लिए, काफी बेहतरीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइट। अरे वाइट, चार बंदा ने किया, पहले गेंद बारह मोशन बोलता। तीन गेंदे और 13 रन, फिर से एक बार चौथी गेंद लेके, काफी बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए, चार गेंदे 19 रन। चार गेंदे और 19 रन। चार रन। आज गेंदे और 23 रन। लगभग ये मुकाबला पांगलोल ने जीता है। काफी बेहतरीन शॉट, ये मुकाबला पांगलोल ने जीता है। ये मैच अब होने वाला क्या ना पानी विरुद्ध किजलन। अरे फोन करना जरा, कौन भोगता नहीं नहीं और
जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। अजिबात नाही होऊ शकत नाही। ये हदी हर उनको कान हदी जो सामने
चिंबावे के जानिब से गेंदबाज मोहम्मद का है। स्टैक पे फैसल, ऑन स्टैक पे आतिफ। पहली मरतबा सामना करेंगे फैसल का। थ्री डे इस गेम पे फिर से एक बार दबा मोहम्मद कर अपने गोटी की पहली गेंद लेके फैसल के लिए काफी बेहतरीन गेंद, एक गेंद और एक रन। फिर से एक बार तो दूसरी गेंद लेके मोहम्मद का है, काफी बेहतरीन शॉट फैसल के बल्ले से, एक रन मुकम्मल। दूसरे रन की कोशिश और दूसरा रन भी मुकम्मल, तीसरे रन की कोशिश, तीसरा रन भी मुकम्मल। खराब फील्डिंग सुहेल द्वारा, खराब फील्डिंग। दो गेंदे चार रन, पांच रन सॉरी। मोहम्मद के तीसरी गेंद लेके काफी बेहतरीन शॉट, छह रन। तीन गेंदे और ग्यारह रन। चौथी गेंद लेके मोहम्मद का है, काफी बेहतरीन शॉट, एक रन मुकम्मल, चार रन। चार गेंद और पंद्रह रन। एक
बार पांचवी खेलने के मोहम्मद का फैसल के लिए काफी बेहतरीन शॉट फैसल के बल्ले से निकलता हुआ छह रनों के लिए। पांच गेंदे और 21 रन इस ओवर की लास्ट विकेट आना बाकी। एक रन मुकम्मल दूसरे रन की कोशिश दूसरा रन भी मुकम्मल। एक ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 23। सुबह के टाइम से दूसरे वाले के साथ गेंद और 23 रन। गाने के साथ काफी बेहतरीन शॉट आतिफ के बल्ले से निकलता हुआ चार रनों के लिए। दो गेंदे 27 रन। यार लगा जुई को जाने नहीं नहीं कल मेरे को सुबह में आने का इधर तू रात तक मत रु पप्पा आएंगे ना पप्पा और आदिल जाएंगे तो तू सटे ना पप्पा ने बोले जब भी तुम लोग उधर जाएंगे ना। काफी बेहतरीन शॉट आतिफ के बल्ले से निकलता हुआ तीन गेंदे 33 रन। चौथी खेलने के साथ आतिफ के लिए काफी बेहतरीन शॉट आतिफ के बल्ले से निकलता हुआ गेंद जा रही है सीमा पर अंपायर ने कहा चक्कर। पांच गेंदे 39 रन क्योंकि लास्ट वीक आना बाकी। चार गेंदे 39 रन। पांच गेंदे 40 रन इस ओवर की लास्ट विकेट आना बाकी। सर अपने गुड की लास्ट विकेट लेके पॉइंट गेंद 41 रन। पांच गेंदे 41 रन। सर फिर से एक बार अपने गुड की लास्ट विकेट लेके काफी बेहतरीन शॉट फैसल के बल्ले से फोर्टी सेवन रन।
चिंपा के जान से तीसरे लेके सुहेल स्टैक पे आतिफ स्टैक पे फैसल गेंदबाजी के लिए सुहेल हफ्ते कोटी की पहली ओवर लेके तीन के जब से तीसरी ओवर लेके टमोर दो विके पार का इशारा नो बॉल फोर्टी एट रन फ्री हिट है इस गेंद पे लाइव कशा रेकॉर्डिंग रेकॉर्डिंग सकल आहे पण येत आहे जागा रेकॉर्ड जमणार नाही काफी बेहतरीन गेंद चार रन कैमरा लॉन्ग कर नहीं आओ दो घंटे 53 रन बस बस हाँ ये गलती रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद करो रिकॉर्डिंग बंद करो रिकॉर्डिंग चालू है छोटू रिकॉर्डिंग करो फॉर्मेट एक साइड करते हुए सुहेल मानूस मुकम्मल वहाँ चाबी लेके तुम आओ फिर चाय भी पी के अरे कुर्सी दे रही बॉय कुर्सी दे मैंने चार गेंदे 58 रन लास्ट वीक इन अहमदाबाद की स्कोर जा पहुंचा 59 रन स्कोर के लास्ट वीक के सुहेल सामने रहेंगे हाथी काफी बेहतरीन गेंद एक रन मुकम्मल दूसरे रन की कोशिश दूसरा रन में मुकम्मल चार रन चिंबावे को ये मुकाबला जीतना तो 64 रन बनाना पड़ेंगे
दिन आदिल चेंज कर आदिल बेहतरीन शॉट साहब के बल्ले से कैच होने का खतरा के नीचे फैसल सांसा कैच लगने वाला पहला झटका क्रिकेट के रूप में सेफ की जगह संभालने सुहेल एक बार दूसरी गेंद लेके सऊद सुहेल काफी बेहतरीन गेंद दो गेंदे और जीरो रन एक बार तीसरी गेंद लेके सऊद वाइट गेंद दो गेंदे और एक रन तीसरी मरतबा सऊद सुहेल बेहतरीन गेंद तीन गेंदे और एक रन चौथी मरतबा सऊद काफी बेहतरीन के बल्ले से निकल जाऊंगा रनों के लिए चार गेंदे और सात रन धावलंच ना असल मग धावलं असत तर कॅच मिळली असती राहू दे सर चार गेंदे और सात रन एक म्हणतो पाचवी गेंद लेके सऊद अंदर येंगे सुहेल काफी बेहतरीन शॉट एक रन मुकम्मल दूसरे रन की कोशिश दूसरा रन भी मुकम्मल खराब थ्रो उसके साथ तीन रन मुकम्मल पांच गेंदे और दस रन जोर गया आखिरी गेंद आना बाकी पहली बार दोबारा स्टैक पे मुसेब अरे
सूर के आखिरी गेना ना बाकी एक बार दोबारा आखिरी गेंद लेके साउद सूर की सामने रहेंगे मुझसे ठीक गेंद वाइड गेंद पांच गेंदे और 11 रन पांच गेंदे और 11 रन सूर के लास्ट भी गेना ना बाकी फिर बेहतरीन शॉट मुसेब के बल्ले से एक रन मुकम्मल चार रन एक ओवर के की दाम पर स्कोर है 15 गोल किक की दम पर स्कोर है 15 दूसरी होल्ड के एक्स वाई जेड किंजुअल की जानिब से बेहतरीन गेंद एक ही रन एक गेंद और 16 रन मिस्टेक पे मुसे गोटी की दूसरी गेंद लेके आई काफी बेहतरीन शॉट मुसेब के बल्ले से निकलता हुआ गेंद जा रही है सीमा पार अंपायर ने कहा झटकार दो गेंदे 22 रन तीसरी गेंद लेके आई वाइड गेंद दो गेंदे और 23 रन दो गेंदे और 23 रन इसे अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एक बार तीसरी मरतबा आई आर की तीसरी गेंद लेके आई आर खराब गेंद दो गेंदे और 24 रन दो गेंदे और 24 रन तीसरी बार दोबारा गेंद करेंगे अय्यान सिर्फ के लिए एक बार खराब गेंद वाइड गेंद दो गेंदे और 25 रन दो गेंदे और 25 रन तीसरी गेंद लेके तैयार अभी बेहतरीन शॉट में सबके बल्ले से अलग कारपेट खेला एक रन मुकम्मल दूसरे रन की कोशिश दूसरा रन भी मुकम्मल तीन गेंदे और 27 रन तीन गेंदे और 27 रन एक बार आलिया चौथी गेंद लेके चार गेंदे और 27 रन काफी बेहतरीन शॉट मुसेब के बल्ले से निकलता हुआ गेंद जा रही है सीमा पार अंपायर ने कहा झटकार पांच गेंदे और 33 रन इस ओवर के आखिरी गेंद आना बाकी
बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मुसेब। और के आखिरी गेंद लेके आई यार, अच्छी गेंद दूर की कितने दाम पर स्कोर है 33। आखिरी ओवर लेके फैसल नेट पे स्वेल लॉन्ग स्टंप का पकड़े काफी बेहतरीन शॉट, एक रन मुकम्मल, खराब फील्डिंग, स्कोर जा पहुंचा है 37। एक गेंद और 37 रन। आतलन गे चला आतलन गे, ये मुझे आतलन ये, ये दौका नहीं दिख रहा था, मुझे आत्म दिए। एक बार दूसरी गेंद लेके फैसल, काफी बेहतरीन गेंद, लगने वाला दूसरा झटका सुहेल के रूप में, सुहेल की जगह माजिद। गौरवगढ़ वरौली के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए चले हैं, काफी बेहतरीन शॉट, तीन गेंदे और 20 रन जीतने के लिए। तीसरा झटका मुसेब की जगह सामान्य हुसैन, लगभग से मुकाबला किसलोल ने जीत लिया है। Gracias.
आदिल आदिल हेलो बेटिंग ऑपरेटिंग करता है ऑपरेटिंग होते का हाँ सर बोले हा कल ये भी नहीं बोले लाइव साठी आम्ही लाइव कर बोल ये मानस ये तीन तीन कल आपल्या गावाचं पण राऊंड करलो मत आमको बार आहे आता कोण गेले नाही ना गोडेगावर वाढवली कला चलती क्या इधर मत तुझे बार बार हिलाना पड़ा कैमरा पूरा हिलाता है फिर कैमरा हिलता है स्टेज हिलता है पावन होते हैं स्टेज हिलता तो इसलिए कैमरा हिलता है ना डॉक्टर माफ कर ले तेरी स्टेज हिलता निकला ना हां निकला था और चार आलू तो बालू ही
इब्रान ये चाबी लेके रख बाइक के नाजमीचा घर जायचं ना डायरेक्ट आता आपल्याला घर जायचं ना पहिले के रूप में मिलता हुआ एक रन गेंदबाज भारत का सामना करेंगे ईशान एक काफी बढ़िया बैट्समैन है उरौली की टीम से काफी बढ़िया शॉट 6 रन के साथ स्कोर में इजाफा स्कोर जा पहुंचा है 7 रन काफी बढ़िया शॉट मारा था ईशान ने भारत अपने ओर की दूसरी गेंद लेके ईशान के लिए फिर एक बार भारत ईशान के लिए दौड़ना शुरू किया विकेट को पार किया गेंद की काफी बढ़िया गेंद ये समझ ना पाए स्कोर वही थमा हुआ 2 बॉल 7 रन किजलोल और यूसुफ 11 पांगलोल टॉस के लिए चले आए किजलोल और यूसुफ 11 पांगलोल 2 गेंद और 7 रन अपने ओर की तीसरी गेंद लेकर भारत फिर एक बार ईशान के लिए दौड़ना शुरू किया विकेट को पार किया और गेंद की शॉर्ट पिच टाइम की गेंद से लेग साइड में ढकेला 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 3 बॉल 11 रन 3 गेंदे 11 रन काफी बढ़िया शॉट देखने मिलता हुआ भारत जिन्होंने इस मैच के पहले काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी अपने ओर की चौथी गेंद लेके भारत फिर एक बार ईशान के लिए 3 गेंदे 11 रन काफी बढ़िया गेंद था अच्छा शॉट लेकिन आसानी से मुकम्मल किया 2 रन की मांग और यहाँ पे विकेट का झटका अमन के रूप में लगता हुआ झटका उरौली को 4 गेंदे 12 रन 1 विकेट 4 गेंदे और 12 रन अब अमन की जगह संभालने जाते हुए फहद इस ओवर की 2 गेंदे आना बाकी 4 गेंदे 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1 बॉल जाना बाकी अयमान की जगह संभालने जाते हुए फहद की 5वीं गेंद लेकर भारत गेंद करेंगे फिर एक बार ईशान के लिए पुनः शुरू के विकेट को पार के गेंद की काफी बढ़िया गेंद कोई रन नहीं ओवर एक ओवर के खिताब पे स्कोर जा पहुंचा है 12 रन एक ओवर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस इनिंग की दूसरी ओवर लेकर आतिफ गेंद करेंगे फहद के लिए एक ओवर के खिताब पे स्कोर है 12 रन
मरियम कबला ने और की पहली गेंद का थी फोर के लिए कॉपीस नाइन की थी और इसके साथ लगता हुआ झटका फहद के रूप में एक बॉल बारह रन दो विकेट के नुकसान पर फहद की जगह संभालने जाते हुए दानिश फहद की जगह संभालने जाते हुए दानिश एक बॉल के एग्जाम पे स्कोर है 12 रन गाड़ी नहीं मिली उसका अभी तक मार्च होते हुए गाड़ी नहीं मिली कैसे नहीं मिलती आतिफ गेंद करेंगे इस बार दानिश के लिए एक बॉल 12 रन दो विकेट के नुकसान पर अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर आतिफ पहली बार दानिश के लिए आतिफ दौड़ना शुरू किया विकेट को पार किया गेंद की शॉर्ट पिच लाइन की गेंद डिशाइन गेंद इसके साथ एक्स्ट्रा के रूप में मिलता हुआ एक रन स्कोर जा पहुंचा है 13 रन एक बॉल 13 रन इस ओवर की चार गेंदें आना बाकी आतिफ फिर एक बार गेंद करेंगे दानिश के लिए दौड़ना शुरू किया विकेटों को पार किया गेंद की काफी बढ़िया गेंद कोई रन नहीं स्कोर वही रुका हुआ 13 रन दो गेंदे 13 रन इस ओवर की तीन गेंदें आना बाकी आतिफ फिर एक बार गेंद करेंगे दानिश के लिए दौड़ना शुरू किया विकेटों को पार किया गेंद की काफी बढ़िया गेंद उतना ही अच्छा शॉट चार रन मिलेंगे इस चार रन के साथ स्कोर में इजाफा स्कोर जा पहुंचा है 17 रन तीन गेंदे 17 रन इस ओवर की दो गेंदे आना बाकी तीन गेंदे 17 रन आतिफ फिर एक बार गेंद करेंगे दानिश के लिए फिर एक बार दौड़ना शुरू किया विकेटों को पार किया गेंद की काफी बढ़िया शॉट 6 रन के साथ स्कोर में इजाफा स्कोर जा पहुंचा है 23 रन इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी चार गेंदे 23 रन इस ओवर की आखिरी गेंद क्या थी फिर एक बार दानिश के लिए चार रन मिलेंगे चार रन के साथ स्कोर में इजाफा स्कोर जा पहुंचा है 27 रन स्कोर के किताब पे स्कोर है 27 रन काफी बढ़िया बल्लेबाजी देखने मिलती हुई दानिश की तरफ से दो ओवर 27 रन दो ओवर के दाम पे स्कोर है 27 रन इस इनिंग की तीसरी ओवर लेकर बॉलर्स ने गेंद करेंगे पहली बार जीशान के लिए इस इनिंग की तीसरी ओवर लेकर उन्हीं दौड़ना शुरू किया विकेटों को पार किया गेंद की काफी बढ़िया गेंद समझ न पाए स्कोर ही रुका हुआ 27 रन एक बॉल 27 रन एक बॉल 27 रन दो विकेट के नुकसान पर अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर मुनीब फिर एक बार गेंद करेंगे निशान के लिए तोड़ना शुरू किया विकेटों का पार किया गेंद की काफी बढ़िया गेंद उतना ही अच्छा शॉट इस 6 रन के साथ स्कोर में इजाफा स्कोर जा पहुंचा है 33 रन दो गेंदे 33 रन काफी बढ़िया शॉट देखने मिलता हुआ निशान की तरफ से अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर मुनीब फिर एक बार निशान के लिए दौड़ना शुरू किया विकेटों को पार किया गेंद की काफी बढ़िया गेंद के साथ एक्स्ट्रा के रूप में मिलता हुआ एक रन
चौतीस रन, दो गेंदे चौतीस रन, इस ओवर तीन गेंदे आना बाकी। मुनी फिर एक बार गेंद करेंगे जीशान के लिए। धोना शुरू किया विक्टो को पार्ट किया गेंद की, काफी बढ़िया गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, एक नंबर आसानी से मुकम्मल किया। दूसरे रन की मांग, छत्तीस रन, तीन गेंदे छत्तीस रन, इस ओवर की दो गेंदे आना बाकी। तीन गेंदे छत्तीस रन, अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर मुनीब फिर एक बार जीशान के लिए। मुनीब गेंद करेंगे जीशान के लिए, दौड़ना शुरू किया विक्टो को पार्ट किया गेंद की, काफी बढ़िया गेंद, एक रन मुकम्मल किया, इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर सैंतीस रन। इस ओवर के आखिरी गेंद लेकर मुनीब, चार गेंदे सैंतीस रन, ओवर की और इस इनिंग की आखिरी गेंद लेकर मुनीब गेंद करेंगे दानिश के लिए। दानिश के लिए दौड़ना शुरू किया, उसको पार के गेंद की, काफी बढ़िया गेंद, समझ ना पाए। जीरो किसी दाम पे स्कोर 37 रन, और कोरेगांव को अगर जीतना है तो 38 रन बनाने होंगे तीन ओवर में, हर ओवर पांच बॉल का होगा। बाइक इधर लगा, बाइक के साथ बॉल जो शूटिंग आ जाएगी, बाइक खड़ी जाता है कैप ने, कैप कैप के साथ इधर लगा तो मुझे जान दे। खाली कैप खाली बचाएंगे बॉल, पीछे कुछ नहीं, इसके पीछे ना तो मैं ऊपर की सबसे पहले आदमी के ऊपर गिरेगा बॉल। माजिद ने कुआरे फराज, अरे फराज चलते हेलो, सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर घोड़े का हरोली ने यहाँ पर पहली बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए 37/38 रन का यहाँ पर टारगेट रखा है घोड़े का जैसे टीम के सामने, तो देखते अच्छी खेल यहाँ पर रनों से इस रन की मदद से। यहाँ पर अब देखते हैं 15 गेंदे और 38 रनों की जरूरत है, एक ओवर पांच बॉल की यहाँ पर रखी गई जबकि टाइम की यहाँ पर कमी होने की वजह से। तो यहाँ पर दूसरी गेंद लेकर भारत के लिए दानिश राइट हैंड ओवर द विकेट, अच्छा शॉट लेकिन यहाँ पर कुछ फॉलो थ्रू में दानिश है, देखते हैं कैच पकड़ पाते या नहीं, और यहाँ पर कैच छूटी है, कहीं मैच ना छूट जाए।
तो यहाँ पर दानिश के जरिए कुछ फॉलो थ्रू में यहाँ पर कैच पकड़ने की यहाँ पर अच्छी यहाँ पर कोशिश लेकिन नाकाम रहे। और फिर से एक बार भारत ने एक रन जरूर चुराया आसानी से, तो दो रन हो चुके हैं इस ओवर की, दो गेंदें हुई हैं, जबकि आपको प्रति ओवर लगभग 13 के रन रेट से अगर जाएंगे तो यकीनन ये मैच अपने पक्ष में कर लेगी गोरेगांव। तो जबकि आतिफ को चाहिए का बड़े बड़े हिट लगाए। अच्छा शॉट खेलने की यहाँ पर फिर से एक बार कोशिश, लेकिन स्लोअर गेंद और कुछ समझ न सके आतिफ। और बाकी का काम यहाँ पर कीपर तौसीफ ने देवा और देवा रन काम अंजाम दिया। तो अभी भी दो गेंद आना बाकी इस ओवर की, तो दानिश फिर से एक बार राइट हैंड ओवर द विकेट आतिफ के लिए। अच्छा शॉट, लेकिन वहां पर जीशान है और अच्छी कैच अहिमान है वहां पर, एक अच्छे फील्डर है, में उनका नाम शुमार किया जाता है। उल्टा स्लैन की गेंद थी, खराब गेंद थी, उसको सही नसीहत न देते हुए आउट होकर पवेलियन आना पड़ा आतिफ को। तो यहाँ पर आप जाए गए हैं प्रशांत जी के अंतिम गेंद का सामना करने के लिए, रन हुए हैं, दो रन हो चुके हैं, जबकि आपने इस ओवर में चाहिए कि आप इस अंतिम गेंद पर अगर छक्का लगते तो अंतिम के 10 गेंद और 30 रन हो सकते हैं। तो लेकिन अंतिम गेंद पर छक्का आने यहाँ पर काफी जरूरी है गोरेगांव को। तो देखते प्रशांत किस तरह की बल्लेबाजी करते, अपने टीम को जीता पाते या नहीं। चाहिए कि एक सीनियर खिलाड़ी इस टीम में और एक भारत माली, जो दोनों भी एक इस टीम में वरिष्ठ खिलाड़ी। फिर से एक बार दानिश अंतिम गेंद लेकर राइट हैंड ओवर द विकेट। अच्छा शॉट, गेंद जा रही है और यहाँ पर क्या जरूर छूटा है प्रशांत जैसे बल्लेबाज का, लेकिन दो रन से संतोष होना पड़े, दो रन की मदद से स्कोर जा बोल जाए सॉरी 4 रन। अभी भी यहाँ पर 34 रनों की जरूरत, प्रति ओवर 17 रन। धन्यवाद। यहाँ पर मैंने कितने बजे ऑनलाइन आए, क्या ऑनलाइन आए कितने बजे आए, हम सुबह में 5 बजे फजर पर। अहमान जो कि अच्छी गेंदबाज है, तेज तरार गेंदबाज, उतने अच्छे बल्लेबाज। यहाँ पर भारत बाद में भी फर्स्ट इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी की थी, एक सिक्स और एक चौका जरूर लगाया था भारत ने। क्या अच्छी बल्लेबाजी करते हैं भारत, तो इसी तरह की गेंदबाज भी है। यहाँ पर अहमान एक अच्छी कैच जरूर पकड़ी आतिफ को, आतिफ को पवेलियन में यहाँ पर आना पड़ा। तो अहमान राइट हैंड ओवर में से तोड़ना शुरू किया अंपायर क्रॉस करते हुए। अच्छा शॉट खेलने की यहाँ पर फिर से एक बार कोशिश, बल्ला और गेंद का कोई ज्यादा संपर्क नहीं हुआ, गेंद जाती हुई काटकर के दर मिड विकेट के दरमियान। यहाँ पर दूसरा रन जरूर चुराना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे, मना किया यहाँ पर प्रसाद ने और एक रन से संतोष होना पड़ेगा। इस रन की मदद से इसको काफी धीमा जा पहुंचा है 5 रन। अभी भी 33 रनों की जरूरत, 9 गेंदे और 33 रन, 5-6 यहाँ पर जरूर लगाने होंगे एक बड़े हिट, लेकिन क्षमता जरूर है प्रशांत और भारत के इसमें। तो देखते हैं यार किस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पर प्रशांत और भारत करते हैं, अपने टीम को जीता पाते या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आ देखा ना था इस तरह की, और ये कैच तो यहाँ पर स्लो गेंद डाली थी, उसको परखा नहीं था प्रसाद ने और अंधा शॉट खेल बैठे इस गेंद पर, और अच्छी कैच कुछ फॉलो थ्रो में, जबकि बैकफुट पर जाकर कैच पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अहमान एक अच्छे फील्डरों में इनका नाम शुमार किया, मैंने पहले भी कहा था एक अच्छी कैच आतिफ की भी पकड़ी, जबकि जीशान उस कैच पर आए जरूर थे, लेकिन उसको उस गेंद को जज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अच्छे फील्डर हो तो यकीनन वो कैच आसान होती है, तो यकीनन ये भी कैच उन्होंने आसान बनाया और पकड़ा, तो इससे स्पष्ट होता है कि एक अच्छे फील्डर है अहमान। तो आप देखते शहबाज गए हैं, दो गेंदें हुई इस ओवर की,
अभी भी तीन गेने आना बाकी। रेगिस्तान छुट्टी भी गेंद अंपायर अपने बाएं खोलते हुए व्हाइट के लिए, इस व्हाइट की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। अभी भी 32 रनों की जरूरत, 8 गेंदे और 32 रन। और यहां पर भारत आउट होते हुए, भारत की तरह समझने जाते हुए निहाल फिर एक बार गेंद करेंगे। तीन बॉल शॉर्ट बॉल था, बॉल छोड़ता दुर्गा पीछे ऐसा उठा रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। अभी बढ़िया गेंद समझ ना पाए, 2 एग्जाम पे स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। अब जीत के लिए 5 गेंदों में 26 रन की जरूरत है। लटका हुआ झटका हाल के रूप में जीत के लिए 4 गेंदे और 26 रनों की जरूरत। निहाल की जगह संभालने जाते हुए जुनेद खुद अपने ओवर की दूसरी गेंद लेके गेंदे और 26 रन ओवर की दूसरी गेंद लेके फहद गेंद करेंगे जुनेद के लिए। दोनों शुरू के वक्त को पार के गेंद की बढ़िया गेंद, 1 ही रन मिलेगा, 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। तीन गेंदे 25 रन फिर एक बार फॉर गेंद करेंगे शहबाज के लिए। दौड़ना शुरू किया तो व्यापार के गेंद की ईशान गेंद के साथ एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन 14 रन। दौड़ की 3 गेंद है ना बाकी, भाई
स्कोर कितनी गिना है ना बाकी, तो आज की एक बार गेंद करेंगे शहबाज के लिए। तो नशूर के उसको तो पार किया गेंद की, काफी बढ़िया गेंद, स्कोर वही रुका हुआ 13 रन और 14 रन। रन की तरफ से मिला, 6 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर जा चुका है 20 रन। स्कोर की आखिरी गेंद है ना बाकी, इसी की आखिरी गेंद लेकर फौज गेंद करेंगे शहबाज के लिए। तो ना शुरू किया इसके को पार किया गेंद की, आखिरी गेंद लेकर फहद फिर एक बार शहबाज के लिए, फिर एक बार दौड़ना शुरू किया विक्रम को पार किया गेंद की, काफी बढ़िया गेंद, कैच हो सकता है काफी बढ़िया कैच, और इसी के साथ बड़ौली ने मैच को जीत लिया है। चला